फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे इंटायर टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, सूरज माटी जी का और किरण गोलानी जी का और तमाम पूरे इंटायर टीम जो मुझे जफर भाई पीरजदा सभी लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और ये छः महीने का सफ़र रहा बड़ा कठिन सफ़र रहा और आज ये सक्सेसफुल हुआ। बहुत खुशी हो रही है दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड में श्वेता सिन्हा और तमाम ऐसे अंजलि पांडे वगैरह जैसे बहुत रिद्धिमा तिवारी जैसे बड़े सेलिब्रिटी इसमें शामिल हुए, सपोर्ट किए मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो मैं बहुत दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और ऐसे तमाम लोग आए इस अप्रिशिएट करने के लिए, धन्यवाद अपना ये करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ और सक्सेस रहा इसके लिए। आप सभी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपके बिना दादा साहेब फाल्के आपने ये अवार्ड स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ईयर है, तो इस इनिशिएटिव को क्या कहना चाहिए? नहीं, ये अच्छी बात है ना कि ये क्या है, दादा साहेब फाल्के में और कैटेगरियाँ थी, ये केवल फिल्म और टेलीविज़न के लिए है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के, लेकिन ये इंडियन टेलीविज़न और फिल्म के लिए था और जो सोशल वर्क इस फिल्म इंडस्ट्री में रह के सोशल वर्क कर रहे थे उन लोगों को हमने सम्मानित किया और कुछ मॉडल्स जो सक्सेस मॉडल हैं उनको सम्मानित किया, तो ये अपने आप में एक आज कलर देखने मिला और आज इसका शुरुआत है, आगे चल के बड़ा होगा मुझे उम्मीद है। आज का जो एप्रिसिएशन मिला लोगों का, जो सपोर्ट मिला लोगों का, ये मिला तो मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत ये रहा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों से हमने सुना काफ़ी परेशान रहे, सोए नहीं इस अवार्ड के कारण, क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली बहुत पेन, मैं बोल नहीं सकता। ऐसा है कि मैं रात को 1:30 बजे तक कल अवार्ड कलेक्ट कर रहा था, मैं था, मेरे दोस्त लोग थे और फिर सुबह 6 बजे से निकला हूँ मैं, शॉल लेना, ये लेना, वो लेना, बड़ी कठिनाई थी और लेकिन आज सक्सेस हो गया, फिनिश हो गया, तो मैं यही कहूँगा कि अब आज जाके खूब सोऊंगा और खूब आराम करूँगा। अखिलेश जी, हमने सुना है कि अभिजीत रानी जी आए, उन्होंने आपको प्रोत्साहन किया, क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अमरजीत जी मिश्रा जी आए थे, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट महाराष्ट्र के, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिजीत जी राणे और अमरजीत जी मिश्रा को हमने सम्मानित किया आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, और जितने भी लोग आए और मुझे बहुत ही बधाई दे के गए, कॉन्ग्रेचुलेशन कह के गए, क्योंकि वो लोग खुश हो के गए, मतलब कहने का मतलब है मेरा अवार्ड शो सक्सेस है। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आप सबका, धन्यवाद, और हमारे अखिलेश जी का जिन्होंने इतना अच्छा अवार्ड आज दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आज मैं खुशी के मारे फुली नहीं समा रही हूँ एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अखिलेश जी ने थोड़ी कम मेहनत में हम लोगों को इन्वाइट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, और हमारे मीडिया लोगों के लिए और ज़्यादा मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि वो हमेशा हमें इतने प्यार से मिलते हैं और बताते हैं, तो हम आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। इस अवार्ड के बारे में मेरा आज का एक्सपीरियंस इतना सही रहा है कि लोग कहते हैं कि मैं भी अवार्ड करूँगा, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया आज, ये हमारे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बेटर फील कर रही हूँ। और कैसा महसूस लगा आपको? सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दिन अखिलेश जी को थैंक यू करना, इतना अच्छा, इतना बड़ा इवेंट्स करकर उन्होंने सबका दिल जीता जी। आप सबको मेरे चेहरे पे नजर आ ही रही होगी, ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी प्रेशियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक आर्टिस्ट को यही चाहिए कि उसके काम को नवाजा जाए, उसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, और ये अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है मेरे लाइफ में, बहुत अच्छा दिन है आज का जो मुझे ये अवार्ड मिला है। आप सबका प्यार और ये अवार्ड, दिस इज मेड माई लाइफ, दिस इज मेड माई डे। आई एम वेरी थैंकफुल टू अखिलेश जी, टू फिल्मोरा मीडिया एंड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरे काम को इतना सफल सराहा। आपके सपोर्ट और आपके प्यार की मुझे इसी तरह से ज़रूरत होगी, इसी तरह से आप मुझे ब्लेसिंग देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू, आज अवार्ड मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं फिल्मोरा न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और अखिलेश जी को वेरी हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशन। Namaste.
भाई शुभकामनाएं बोलना चाहूंगी और फिल्मोरा मीडिया टीम को, सारी टीम को बहुत शुभकामनाएं। अमेजिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और आई एम सो मच ऑनर्ड एंड हैप्पी विद दिस अवार्ड बाबा साहब फाल्के अवार्ड। दिस इज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस हियर बिकॉज बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत अमेजिंग। और बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर आर्टिस्ट अपनी लाइफ में चाहे कितना भी सक्सेस मिले कम ज्यादा, लेकिन अप्रिशिएशन चाहता है कि उसको ऐसे अवार्ड से नवाजा जाए। और आई एम वेरी प्लेस्ड एंड वेरी ऑनर्ड कि आज मैं यहाँ पर हूँ आप सबके सामने और इतने बड़े अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया है। और दाल साहब फाल्के अवार्ड है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर गेटिंग दिस अवार्ड। और मैम आपकी फिल्म भी लोगों ने काफी पसंद की, क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? जी फिल्म की, फिल्म में जिस तरह से आपने काम किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, लोगों ने पसंद की? मेरा किरदार लोगों ने काफी पसंद किया, जितने भी लोगों ने देखा उन्होंने पर्सनली मुझे आके बोला, तो बहुत अच्छा किरदार था और बहुत अच्छा एक टॉपिक था, तो फिल्म करके तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस अवार्ड टुडे। सो आई एम सो हैप्पी। हम लोगों को बता दो, मैंने सुबह से मेरे पति को वैलेंटाइन विश भी नहीं किया है, सो हैप्पी वैलेंटाइन डे सोना। मेरे दोस्त अखिलेश सिंह अनेक वर्षों से दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑर्गेनाइज करते हैं और मुंबई और देश के जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करने वाले जो लोग हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लोगों को वो मोटिवेट करते हैं। आज भी बहुत से स्टार्स इधर अवार्ड लेने आए, जो अवार्डीज है उन सबको मैं मेरी बेस्ट विशेस देता हूँ। और सातत्यपूर्ण अनेक वर्षों से अखिलेश जी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे साथ में हमारे मुंबई रफ्तार न्यूज़ चैनल के शैलेश जी हमेशा ही उनके साथ में है। मैं ये पूरी टीम को और आप सबको इस मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर एक थैंक यू, ये बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है, वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस एंड थैंक यू टू अखिलेश एंड ऑल दिस फॉर गिविंग मी दिस टेलीविजन अवार्ड। सर क्या कहेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड में? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जयपुर से मैं माविन कुमार सोनी, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद एंड फिल्म मेकर हूँ और साथ ही मीडिया पर्सन भी हूँ आपके जैसे, क्योंकि मेरी भी मैगजीन वगैरह निकलती है। ये अवार्ड लेके दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे मिला है, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दादा साहब फाल्के अवार्ड सबको सम्मानित किया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्लेटफॉर्म हमें हौसला देता है, आपने हम सब महिलाओं जो क्राउन विनर है और दूसरे जो लोग अपने लाइक सोशल वर्कर वगैरह सब हैं, आपने उनको बुला के और उनको सम्मान किया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारा हौसला और भी बढ़ता है, हम आगे और भी जाएंगे। दीदी अगर बात करें तो अवार्ड की, इसके पहले भी आप कुछ क्वीन वगैरह जीती हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं अभी लास्ट वीक में 4-5 दिन हुए मैं सुपर वुमन जीती हूँ। मैं सुपर वुमन की एम्बेसडर हूँ और मैं टी फाउंडेशन की भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं लकी जो चंदवानी है नेटवर्किंग उसकी भी एम्बेसडर हूँ, वॉक फॉर अ कॉज की भी एम्बेसडर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुपर वुमन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर महिला को, हर गृहिणी को एक प्लेटफॉर्म देता है। इसमें ना शक्ल ना वेट कुछ देखा जाता है, आपको बस कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए और हर औरत इसमें जो गृहिणी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और उन्हें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि हम अपनी घर के किचन से निकल के हम फैशन शो कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, इनकमिंग कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, किस तरह का प्रोजेक्ट? एक फिल्म आपकी आने वाली थी जिसकी शूटिंग चल रही थी, खुशी मिली है कि मुझे ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक्स टू फिल्मोरा मीडिया एंड सेकेंडली फॉर सच अ वेल नोन अवार्ड दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड मिला है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीम ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, थैंक यू सो मच।
मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। जफर सर के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये अवार्ड मिल के, ये मेरे लिए बहुत स्पेशियस है। थैंक यू अखिलेश जी सर ने जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, जो मुझे अवार्ड दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच मुझे ये अवार्ड मिलने के लिए। मैंने बहुत काम किया है सोशल सर्विस में, आई एम अ सोशल वर्कर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट प्लस मिसेस इंडिया, सैफरेंस मिसेस इंडिया एलीट कैटेगरी में मैं विनर हूँ। ये अवार्ड मेरे लिए एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे इतने साल के काम के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। मेरा नाम किरण गुलानी है और मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप चलाती हूँ, एम्पावरमेंट ग्रुप, उनका नाम है सुपर वुमेन। हालांकि मैंने अपना अवार्ड नहीं किया था 6 फेब को, और मैं शुक्रगुजार हूँ अखिलेश जी को कि उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर करके इस इवेंट पे बुलाया। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस इवेंट में, माने जाते हैं और उनका अवार्ड मिलना बहुत बड़ी शान की बात है। उसके अलावा भी सबको मिला, पर आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम मेरे चहेते लाडले प्रेस रिपोर्टर, मीडिया रिपोर्टर अखिलेश जी ने जो ये अवार्ड शुरू किया है, तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि उन्होंने जिन भी कलाकारों को या जिन लोगों को भी ये अवार्ड दिया दादा साहब फाल्के का, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि ज़िंदगी में एक सपना होता है इंसान का, वो जब लेके आगे चलता है तो, और जब उसमें कामयाबी मिलने लगती है तो ऐसा लगता है कि हाँ वो उस मुकाम तक पहुँच गया। तो उनमें से ही हैं हमारे लाडले भाई अखिलेश जी, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपको बहुत बहुत सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड देके मान सम्मान दिए गए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं फिल्मोरा चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है। ये जो शुरुआत हुई थी 2006 में, जब हम लोग दादा साहब फाल्के जी के बारे में पढ़ाई करते थे, जब हमने स्कूल में उनके बारे में पढ़ा था, और उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया हुआ है तो मुझे उसके लिए चुना गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये प्रोग्राम बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू। सो मेरा नाम डॉक्टर भूमिका जिगर गाला है, मैं यंगेस्ट PhD होल्डर हूँ स्पिरिचुअल फिलोसफी और होलिस्टिक हीलिंग की, सो दैट इज़ व्हाई मेरे को ये अवार्ड दिया गया है। एंड मैं एक हीलर हूँ एंड मैं एक कोच भी हूँ, जो मैं लोगों को काउंसलिंग करती हूँ, तो यस। आपका ॲडव्होकेट जया बाळकृष्ण उभे, मला हा अवॉर्ड दिल्याबद्दल मी खूप सगळ्यांचे आभारी आहे। OMG बुक ऑफ रेकॉर्ड्समधले आणि अखिलेश सिंग यांच्याबद्दल खूप धन्यवाद आणि त्यांचे मनापासून धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा से फाल्के अवार्ड से आपको मान सम्मान दिया गया, तो क्या कुछ कहना है? ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि 2020 में मेरा डेब्यू हुआ एज टेलीविजन टॉक शो होस्ट फॉर टीवी एशिया, जहाँ पे हमने 101 बॉलीवुड स्टार्स के साथ शूट किया, राइट फ्रॉम सोनू सूद टू ऐशा डियोल, अभय डियोल, अमन चिका जो अंदर है, उनके भी इंटरव्यूज लिए हैं। तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ, मेरा टेलीविजन डेब्यू हुआ विद सेलिब्रिटीज इन यूनिसन, जहाँ 101 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ हमने शोज किए हैं, जो थ्राइस अ वीक आता है इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड मेक्सिको में TV Asia channel par. So this is very special, the prestigious Dada Saheb Phalke award. Of course we all belong and everything in the Indian film industry belongs to Sir Dada Saheb Phalke. ये हर इंसान के लिए ये बहुत खुशी की बात है, एक लेजेंडरी के नाम से इतना बड़ा अवार्ड होता है और उसका आज हमारे हाथ में ये ट्रॉफीज हैं। इस ट्रॉफी के लिए जितना गर्व करें उतना हम कम हैं। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो लेजेंडरी है उनके नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब में हम जो भी चाहें, समाज सेवा करो आप, उनको अप्रिशिएट करो, या आप सोशल वर्क करो, कोई भी चीज़ करो, आप इनके नाम के साथ जुड़ सकते हो। और ये किसी एक इसका ये नहीं है, जितने भी लेजेंडरी है उनके नाम पे कितने भी लोग अपना इनके थ्रू इनके नाम से हम काम कर सकते हैं। सो आज ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम रियली रियली वेरी ऑनर्ड टू गेट दिस दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
and for the social work I have done, for the work which I have done in films, I have produced some films. So I'm extremely happy for that. And first of all, I would like to thank Akhilesh ji because Filmora has always been लोगों को बहुत encourage करते हैं, लोगों को बहुत अलग-अलग talents को encourage करते हैं और हमेशा मतलब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मेरी अलग जो भी अलग अलग टैलेंट्स है. लास्ट टाइम उन्होंने ब्यूटी पेजेंट रखा था, इस टाइम अभी कोविड के चक्कर में शायद उन्होंने ब्यूटी पेजेंट का बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा, मगर मैंने अभी देखा कि वैलेंटाइंस डे में आके यहाँ पे कितने सब लोग बहुत उत्साह से यहाँ पे आए हैं. उन सबको अच्छा लग रहा है कि इधर बड़े फंक्शन में आके सम्मानित होना, तो ये सब बातें बहुत अच्छी हैं. आई एम रियली विशिंग अखिलेश जी की आगे चल के बहुत बड़े इवेंट्स वो करें, बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करें. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज विश फॉर हिम. गॉड ब्लेस हिम. थैंक यू. थैंक यू दादा से पलवल में आओ ये सुन के आपको मान सम्मानित भी किया गया. क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले दादा साहब के आइकॉन अवार्ड के ऑफिसर एक फिल्म के अवार्ड के जो ऑर्गेनाइजर है आपको याद होगा कि पुलवामा में शहीद अगर हुए थे लोग, आज के दिन ही पुलवामा के लोग शहीद हुए थे. और आज के दिन जिस प्रकार ने अखिलेश जी ने यहाँ पर नारियों को, कलाकारों को, सबको सम्मान दिया दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम से, ये बहुत बड़ी बात है. और इस प्रकार से आप लोग और अखिलेश जी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन. और सबसे पहली बात तो आप बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो बताना चाहिए आज अवार्ड मिला है. जी मैं डॉक्टर पूजा माथुर, टेरर मास्टर, क्रिस्टल बॉल गेजर और स्पिरिचुअल हीलर. मैं ह्यूमन राइट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अखिलेश जी ये बहुत अच्छा अवार्ड लेकर आए हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड. और इस अवार्ड से मुझे नवाजा गया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. और मैं देश की महिलाओं के लिए भी कहना चाहती हूँ कि आपको अपने लिए एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभानी है. और जब भी आप कभी भी नसीहत अगर आपको मैं देना चाहती हूँ तो यही देना चाहती हूँ कि इतनी स्ट्रांग बने कि कोई भी शक्तियाँ जो है वो आपके ऊपर हावी ना हो सके. और उसका अवार्ड